नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को क्रोशेट सूटर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह का लीफ पैटर्न वाला डिज़ाइन लेकर के आए हैं। ठीक फ्रेंड्स, यह कितना सुंदर लग रहा है। इससे आप जैकेट, कोटी, स्वेटर, शॉल या अपने अनुसार जो भी बनाए बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चेन बनाएंगे नॉट लगा करके, और चेन 6 के मल्टीपल में बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से फ्रेंड्स हम 42 चेन बना करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 42 चेन ले लिए हैं। इसके बाद 3 चेन और लेंगे, 1 2 3 चेन ले करके यह 1 2 3 चेन छोड़ देंगे, और 4 वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में भी डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हर चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना करके दिखाते हैं आपको। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह पूरा रो कंप्लीट हो गया। यह टोटल 43 डबल क्रोशिया है। इसके बाद फ्रेंड्स 5 चेन लेंगे, 1 2 3 5 चेन लेंगे और पलट देंगे इसको, और यह 1 और 2, इसका वाला गिनती नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला को 1 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़ करके, 1 और 2 छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और 1 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे और इसमें सेम स्टिच में डाल करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे, तो यह इस तरह से भी शेप में आ जाएगा। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेकर के सेम स्टिच में डाल करके एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक भी एक डबल क्रोशिया, एक भी एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनेगा। कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन कंप्लीट हो गया। ये डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया गया लास्ट में। इसके बाद 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन, और एक डबल क्रोशिया इधर है और एक डबल क्रोशिया इधर है, उसके बाद भी है और इधर भी, इसके बाद भी है। अब इसमें इस भी में 5 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे लंबा करके। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, फिर लूप लेंगे, 3 4 5, इस तरह से करने के बाद फिर ये 2 को निकालेंगे, फिर इससे 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, और फिर ये 2 निकालेंगे, और ये 2 को इस तरह से छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अब
ये जो डबल क्रोशिया है अब इसके इधर से निकालेंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर, फाइव, फिर दो दो करके निकालेंगे, टू 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 टू, और इसके बाद ये तीन को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से एक पत्ती बनकर तैयार हो गया। इसके बाद टू चेन लेंगे। टू चेन लेने के बाद फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर, जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से दो चेन लेंगे और इसके बीच में, इस भी में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से लूप लेंगे। अब एक इधर है और एक इस साइड है, तो पहले इस साइड से डाल करके फंदा निकालेंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर, अरे फाइव। एकदम आसान पैटर्न है फ्रेंड्स। फिर दो दो करके निकालेंगे, ये इस तरह से दो लूप बच जाएगा। फिर इसको इस तरह से घुमा देंगे इस पत्ती को, और इसके इधर साइड से निकालेंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री, फोर, फाइव, और इसको दो दो करके निकाल देंगे। अरे तीन को एक साथ निकाल देंगे। टू चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से टू चेन लेकर के और इस भी में डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ से चाहे फ्रेंड्स तो यहाँ से दूसरा कलर लगा सकते हैं। हम इसी कलर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फाइव चेन लेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव चेन लेंगे। फाइव चेन लेने के बाद इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से करेंगे, और इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से टू चेन लेंगे और जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब अगला जो इस तरह का भी बनेगा इसी के ऊपर बनेगा, तो इसके लिए टू चेन लेंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से टू चेन लेंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से टू चेन और इसमें भी बनेगा, एक बार फिर इसमें डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर लास्ट में दो चेन छोड़ के, वन और टू चेन छोड़ करके, या थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे लास्ट में। फिर यहाँ पर फाइव चेन लेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव चेन लेंगे और इस तरह से पलट देंगे। इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे
और इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद इधर से डालते हुए फिर वही पत्ती बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 अरे 5 टाइम हो गया, और दो दो करके निकालेंगे इस तरह से। अरे दूर आ गया, फिर इसको इस तरह से पलट देंगे अंदर लेकर के, फिर इस साइड से निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, तीन को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। 2 चेन लेंगे और इसमें इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। 2 लाइन और बना करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह पैटर्न तैयार होगा। फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स अगर यह डिज़ाइन पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।